गौरवे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनावि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंद चरण से यथाजुग प्रणाम जनावि। आज आम मैंने श्रवण करवा ए गिरिराज गोवर्धन ए मर्त्य जगत को आसिले कि तेणु विभिन्न पुराण रे विभिन्न प्रकार या विषय कथा मध्ये आसी। आम प्रथम कथा श्रवण करवा से आदि पुराण रे कथा अच्छी जो समय रे भगवान राम से लंका को जाई माता सीता को उद्धार करने चाहूँ से समय रे समुद्र कहले आपण पाखे दुईटी मांकड़ अच्छा जहाँ कर नाम हो नल एवं नील। ऋषि मैंने आपको वरदान देती यदि ये कौन से जिनिषा को स्पर्श कर पानी से फोपाड़ती से पानी से बुड़बनी से पानी से भाषव तेणु आपण मैंने पथर आनी ताद्वारा तुम्हें ब्रिज को तैयारी करूँ। से समय भालू मांकड़ मान बड़ बड़ पथर आणुले नल नील भगवान राम कर नाम लेखिकी जैसे पानी रे छाड़ूले सी भाषुला। से समय रे हनुमान देखिले शीघ्र शीघ्र जब यदि ब्रिजटा तैयारी माता सीता शीघ्र शीघ्र से उधार हे से भ्रमण करू करू जे समय से उत्तरांचल को गले सेठी देखिले विशाल सेठी पर्वत से पर्वत ना हूँ श्री गिरिराज गोवर्धन जार ऊंचाई 64 माइल जार ऊंचाई थिला एवं चौड़ा मध्य से भली भाव रे चिंता करले यदि ये पर्वतटा को मुझे नहीं जाए ताल कौन हम शीघ्र शीघ्र से ब्रिज टी तैयारी से सय जय श्री राम कहीकिरी गोटे हाथ में से पर्वत को उठे जितने नहीं आसुले से ही समय आकाशवाणी है मझे हे हनुमान जो कार्यपाई पर्वत नहीं जाऊँगी से ब्रिज अलरेडी तैयारी आपण को ब्रिज ने पर्वत नवा दरकार नहीं से पर्वत से रखि दिंतु जिते बड़े से पर्वत टी से रखिले किंतु से पर्वत साधारण नथिले से पर्वत टी क्रंदन करवा आरंभ करें हे हनुमान यदि मत नहीं जाइ था तो प्रभु चरण स्पर्श पाई एवं भक्त मान चरण स्पर्श पाई था एवं माता सीता सेवार लगी था कौन करी आप मझी रखिदे। हनुमान कहले कौन से चिंता कर ना चिंता करनी ए राम द्वापर युगर श्याम रूप से आसवे यही समय आपण अल्प सेवा पाई था किंतु से समय आपण बहुत सेवार लगे जो समय इंद्र 7 दिन पर्यंत से वृष्टि करे वर्षा करे से समय कृष्ण आपण को से कनिष्ठ अंगुल गोटे सप्ताह पर्यंत धारण करे समस्त ब्रजवासी मैंने तार तले आश्रय ने से समय आपण बहुत सेवा करेंगे तेणु सनातन गोस्वामी कहते गिरिराज जयति शैल कुलाधिराज जो गोपिका भिरुदित हरिदास वर्ज कृष्णेन सक्रमक कृतार्चितार जो तेणु कृष्ण से कनिष्ठ अंगुल 7 दिन धारण करे ब्रजवासी मान ते रक्षा पाइबे बेसी सेवा करेंगे तापर कृष्ण गोचारण करेंगे तार उपर प्रमद मदन लीला कृष्ण करे रासलीला करे तेणु चिंता करते तेणु ये गोटे कारण हूँ ये गिरिराज गोवर्धन किभली भाव सी ब्रज को आसिले एवं जोटी सी रखी पर्वतटी से स्थानी हूँ ये वृंदावन श्री गिरिराज गोवर्धन ये गोटे कथा। द्वितीय कथा हूँ कल्प भेद हरिकथा सुहागा गोस्वामी तुलसीदास कहते भगवान खाली ए द्वापर युग आसते नुह ब्रह्मांकर गोटे दिन से थरे आसती तेणु गर्ग सहित अनुजाई जड़े पुलस्तरी सी से रहुले काशी से भ्रमण करते सीए पहुँचिले दुराचल पर्वत उपरे सेठ दुराचल पर्वत
एवं तांकर स्त्री का नाम थिला धरा तांकर सुपुत्र रूप से गिरिराज गोवर्धन सेठी जन्म ग्रहण करथिले से गिरिराज गोवर्धन अत्यंत सुंदर जेउठारे एक सांगरे छटी ऋतु प्रवाहित होतिला जेउठारे सुंदर सुंदर कंदरा सुंदर सुंदर सेठी कुंज एवं सेठी सुंदर सुंदर फल फूल देखरी सेटा विमंडित थिला पुलस्त ऋषि देखिकी तांको लोभ होइगला काहेकि से रहौथिले काशी रे किंतु काशी रे कौन से सुंदर मनोरम स्थान नथिला जोठी से माने बसिकी भजन साधन करि परिबे तण से चिंता करले यदि मु कोनसी भाव रे ए पर्वतटी मु काशी नै जाय सेठी साधु माने सुंदर भाव रे भजन साधन करि परिबे तण से प्रार्थना करले द्रोणाचल पर्वत को जे कृपा करी आपण संतान टाकु दियंतु मु काशी नेवा पई चाहौची से महाविपत्ति पड़िले से केबे भली तांकर पुत्र टिके देबे से कहले आपण पुत्र को पचार से जीवापाई चाहौचंती कि न चाहौचंती जेतले से पचारिले से गिरिराज गोवर्धन को गोवर्धन मध्ये जीवापाई चाहौनाती तणु गोटिए से शर्त नेले बोले मु जीवी आपण को सांगेरे किंतु चाली चाली कर जीवनी आपण को आमरे हाथ ऊपर उठेई कर नै जीवा को हबो एवं यदि रास्ता रे रखी देबे ताले सेठु मध्ये मु जीवी नाही बोले कोनोसी चिंता नहीं महाप्रताप थिले जोग सिद्धिरे सीए प्रबल थिले सीए तनु से गोटी हाथ रे गिरिराज गोवर्धन को उठे जेतले नै आउ थिले आनी आनी करी जेते बेले सेई ब्रजभूमि को देखिले तांकर मन पड़िला मु तो ए मर्त्य जगत रे आसी भगवान कर सेवा करिया पाई किंतु एई जे ऋषि ये तो हमको नै आउ छी काशी तेणु काशी होची मायावादी स्थान जो माने भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति रूप से मानती किंतु तो मुझे जीवापी चाहूनी से ही समय से भगवान को प्रार्थना करले हे प्रभु कृपा करी आपन चरण रे स्थान दियंतु आपण कर तो मुझे सेवा करिया पई आसतिली जेतले एई कथा प्रार्थना करले से ही समय एते जोर रे लघु संख्या लागिला सी आउ से लघु संख्या को संभाली पारिलेनी तेणु से गिरिराज गोवर्धन को रखिकी जितने से लघु संख्यार बसिले भगवान एमती माया करिले घंटा पर्यंत हो लघु संख्या शेष होनी बहु कष्ट शेष हेले हाथ गोड़ धोई तांकर संध्या वंदन आदि करी जितने से गिरिराज को उठेपी चाहिए आउ से गिरिराज गोवर्धन आउ से उठिलेनी से पचारे कहीं उठू न बोले आपण कौन संकल्प करथिल हातरे उठेकरी नै जिवे मझिर रखिबेनी यदि अपवित्र हे जिवे तले मते स्पर्श करि पारिबेनी तनो समस्त प्रतिज्ञा आपनकर शेष हो जाइछि से कहिले मु तुमको अभिशाप देवी तुमे खंड खंड हे जिवो तुमे सेई समय से प्रार्थना करिले मु त भगवान कर सेवा करिया पई चाहूची एतिकी वरदान दियो जे पर्यंत भगवान आसिकरी लीला न करंती ता पर्यंत मु पूर्ण थाए शेष हेवा परे आपणकर अभिशाप मते लागू तेणु से भली तांकु सीए वरदान देले तेणु एटा होची द्वितीय कारण ए जगत रे गिरिराज गोवर्धन आसिले कि भली बोले श्री गिरिराज महाराज की जय बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय।